आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, मैं हूँ न्यूज़ प्लस वन से ज़ारा खातून और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की खास खबरें। जी भैया, ग्राम वासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहित है, मेरे फादर का नाम महेंद्र प्रधान है, जो ताकि 1995 इलेक्शन लड़ा था उन्होंने चुनाव। 2000 में प्रधानी ख़त्म हो गई थी, विकास किया था उसके तहत ख़त्म होने के कारण सीट और कास्ट में आने के वजह से हमारे अंदर 20 साल बाद जो कि महिला सीट एससी में आई हुई है। तो ये 20 साल के बाद महिला सीट एससी में आई है, इकला गांव में 20 साल बाद एससी में सीट आएगी, ताकि जो 1995 के चलते हुए 20 साल हो चुके हैं, 2000 में ख़त्म हुई थी ये प्रधानी। अब जो गांव का माहौल था बहुत ही अच्छा था, गांव समाज के लोगों ने प्यार एकता दिखा के प्रधान जी को मैदान में उतारा। उनकी अच्छाइयों को देखते हुए गांव वासियों ने उन्हें चुना। ऐसा कोई जोर दबाव नहीं था, भाईचारा के होने के कारण प्रीति जो कि उन्हें लाया गया, मान सम्मान करता है गांव प्रधान जी का। और प्रधान जी के होने के कारण ताकि कोई ही जोर दबाव चलते हो पब्लिक का, ऐसा कोई माहौल नहीं है कि किसी का जोर दिया गया है चुनाव को लड़ाने के लिए। सभी बुजुर्गों नए युवाओं से आकर प्रधान जी को मैदान में उतारा। तो आज जो दर्शन देवी जी जो चुनाव मैदान में हैं प्रधान पद को लेकर, तो यहाँ की जनता की खास चाहत पर हैं। हाँ, ये जो एससी सीट थी महिला, प्रधान जी के नेचर और विचार को देखते हुए उनकी वाइफ दर्शन देवी को चुनाव में उतारा है। प्रीति बहुत प्यार पब्लिक का मान सम्मान करते हुए मैदान में आए हैं। तो जैसे कि ग्रामवासियों ने प्रधान जी का कार्यकाल देखते हुए मान सम्मान करते हुए आज दर्शन देवी जी को, उनकी पत्नी को आज चुनाव मैदान में उतारा है गांव के विकास के लिए। तो इस टाइम दर्शन देवी जी की जीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामवासियों का प्यार चलते हुए जीत हासिल करने के लिए जनता ने मैदान में उतारा है, जनता के चलते हुए, ताकि बहुत ही अच्छा कैंडिडेट जिसे चुना गया वो दर्शन देवी, प्रतीक प्यार चलते हुए। तो इन्हें किस किस वर्ग का समर्थन मिल रहा है? इन्हें गुजरों का समर्थन, नागरों का, ब्राह्मणों का, जाटवों का, वाल्मीकियों का, सबका समर्थन मिल रहा है। मुस्लिमों का भी समर्थन मिल रहा है? मुस्लिमों का भी समर्थन मिल रहा है। जो भी हमारा भाईचारा समाज है, एकता सबके साथ प्रतीत किया गया है। मतलब सभी ग्रामवासियों में, जितने भी ग्रामवासी यहाँ पर सभी वर्ग हैं, सभी वर्गों का पूर्ण रूप से दर्शन देवी को समर्थन मिल रहा है। हाँ, दर्शन जी को समर्थन मिल रहा है ग्रामवासियों के मुताबिक। तो ऐसे में दर्शन देवी जी की जीत को आप पक्की मानते हैं? हाँ, जो चलता आ रहा है देखते हुए जनता के अंदर, तो लगता है कि जीत की हासिल है दर्शन देवी जी को।